नौकर नहीं होना, बिल्कुल भी ग्रेनेड निकाले जा रहे हैं, दोनों तरफ से ग्रेनेड निकल रहे हैं, XMPL मोलोटॉव फेंकते ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, विक आगे बढ़कर ग्रेनेड दागेंगे, XMPL वो नॉकडाउन निकाल सकते थे लेकिन आगे से हिला जाएगा, हटा जाएगा उस हार्ड कवर के पीछे से, लेकिन विक लो HP हो चुके हैं, नॉक होते होते रह जाएंगे, ग्रेनेड जाएगा ज्ञाते पर बच जाएंगे दोबारा से। और कि गोलियों से उनकी HP को बिल्कुल लो किया जाता है एंड हार्ड बॉय गेट्स हिज लाइफ। फॉर्चुनेटली रेजिसाइड ये क्या हुआ, एक नॉकआउट टीआरएस ने निकाला और एक नॉकआउट TMT के पास। यार ऐसा क्यों होता है हमेशा रेजिसाइड के साथ, हमेशा पिछले मैच में भी चिकन डिनर इसी वजह से रहा कि पिंच डाउन हो गए दो टीमों के दरमियान में, और अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ उनके साथ, नो किल्स निकाले। मुझे वैसे लग रहा है कि एक जो आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, मैं उनका पोजीशन देखना चाहता हूं, क्या वो भी वहीं पर ही मौजूद हैं ठीक उसी जगह पर, एंड आई थिंक सो उनके करीब मिनिमैप में अगर हम देखें तो A1 TMT के खिलाड़ी अभी भी वहीं पर ही हैं, लेकिन हो रहा एक बुलेट लग अगर जाती जो कि अभी भी लग सकती है स्लीपी की, तो हो रहा कि एक और प्लेयर हमें गिरते दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ये क्या हो रहा है, वो व्हाट्स हैपनिंग, ये अभी भी चल रहा है। टीम होरा ईस्पोर्ट्स पुश करती है, हो जाते हैं आज के हाथों आखिरी एक प्लेयर, जो लास्ट प्लेयर थे उनको फिर DRS एलिमिनेट कर लेती है, लेकिन नाउ DRS इज पुशिंग। ओह माय गॉड, रिस्की भाई, स्लीपी फिजिक्स के साथ लॉस को डिफाई कर उनके खिलाफ साथ हुए, एंड स्पॉट भी किया जाएगा स्लीपी की तरफ से ऑन द अदर साइड, स्लीपी फाइनली गिरकर नॉक हो जाते हैं लेकिन उनको रिवाइव दिया जाएगा, एंड इसी इसना में 11 किल्स DRS लेकर जा चुकी है, एक एक दो दो प्लेयर्स मौजूद हैं, इसी इसना में ग्रेनेड के साथ 8 CG के फाइनल प्लेयर को एलिमिनेट तो किया जाता है, लेकिन फाइनल बॉस की बात करें अगर वो अभी भी DRS है, लेकिन एडवांटेज गिरा पाएगा भी या नहीं गिरा पाएगा। A1 TMT के सिनिस्टर, उनके क्रॉसेस बने, XMPL उनका मॉन्स्टर ट्रक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, लेकिन XMPL वो जो स्मोक्स बिछाए गए हैं वो उनको थोड़ी देर के लिए बचा लेते हैं, और अब रुख ईस्पोर्ट्स UMP 4.5 है, M416 आई बिलीव ज़्यादा बेहतर रहेगी अगर M416 के ऊपर 4X लगा ली जाए, लेकिन रुख ईस्पोर्ट्स के प्लेयर एक आगे बढ़ चुके हैं, A1 TMT के सिनिस्टर वो एक ग्रेनेड कुक करना चाह रहे हैं, सिनिस्टर के साथ ही साथ वहाँ पर हिटमैन भी मौजूद हैं, DRS के ऊपर दोनों तरफ से क्रॉसेस बनाने की कोशिश की जा रही है, शानदार स्प्रे, ब्लाइंड स्प्रे था लेकिन एक शानदार प्लेयर को नॉक भी करता है, और A1 TMT अब आगे क्या बढ़ेगी, पीछे रहते टीम रुखी स्पोर्ट्स क्या वो भी कोई इनपुट देंगे DRS के खिलाफ, ये देखना अभी के लिए अब बाकी है, लेकिन ग्रेनेड्स दागे जा रहे हैं सामने, DRS के एक प्लेयर बिल्कुल आउट इन दी ओपन, उनको भी क्या पकड़ लिया जाएगा, जी हाँ ग्रेनेड्स दाग रहे हैं रुखी स्पोर्ट्स एक जानिब से, DRS का चिकन डिनर, ये दोनों टीम ने मिल मिलाकर क्या लेकर जा पाएंगे, लेकिन हिटमैन उनको गिरा दिया जाता है ज्ञानते की तरफ से, द ग्रेट IGL, लेकिन अभी के लिए ज्ञानते को एक और नॉकआउट निकालना है, एक और एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करना है, पीछे से मैट कैट भी सरवाइव कर रहे हैं, एक हल्का सा बुलेट लगता है, A1 TMT इज आउट ऑफ द गेम, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स और A1 TMT का खात्मा चौथे ही पायदान पर हो जाता है, मैट कैट वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, KSX और जिसको भी वो बैक स्टेप करेंगे आई थिंक उनको स्पॉट डाउन कर ही लिया जाएगा, DRS की तरफ से को पकड़ लिया जाता है सामने, A1 TMT नहीं बल्कि रुकी स्पोर्ट्स के प्लेयर शानदार तरीके से दो प्लेयर्स का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे, नाउ इट्स अ 2v2 सिचुएशन, जहां पर अगर उनको स्पॉट ना किया गया तो रुखी स्पोर्ट्स को वो बहुत ही बुरा बैकस्टैप करने वाले हैं, खाबों में आएंगे वो उनके, लेकिन DRS के ऊपर रुझान टीम रुखी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का, मैट कैट को स्पॉट डाउन किया जाता है, बैकस्टैप करने आए थे जरूर लेकिन उनको रंगे हाथों पकड़ा जाता है टीम द रियल सोल्जर्स के हाथों, लेकिन XMPL आगे बढ़ रहे हैं, स्पॉट डाउन करते हैं यांकी को, लोन HP भी किया जाता है लेकिन यांकी फॉल्स
बैक स्मोक्स का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अंदाज में टीम रूकी स्पोर्ट्स व्हीकल्स आगे लेकर जाना एक अच्छा फैसला शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यंकी लोन एचपी होंगे गाड़ी से गिरकर थोड़ी देर के लिए, नॉक नहीं होना बिल्कुल भी। ग्रेनेड निकाले जा रहे हैं दोनों तरफ से, ग्रेनेड निकल रहे हैं। एक्सएमपीएल मोलोटॉव फेंकते ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, विक आगे बढ़कर ग्रेनेड दागेंगे। एक्सएमपीएल वो नॉकडाउन निकाल सकते थे लेकिन आगे से हिला जाएगा, हटा जाएगा उस हार्ड कवर के पीछे से, लेकिन विक लोन एचपी हो चुके हैं, नॉक होते होते रह जाएंगे। ग्रेनेड जाएगा ज्ञाते पर बच जाएंगे दोबारा से, और एक और ग्रेनेड आगे बढ़कर यूएपी 45 से नॉकडाउन किया जाएगा ज्ञाते स्टेप से। ज्ञाते अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट हो जाते हैं।